नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाड़ा हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपनों ने जो टॉपिक शुरू किया था वो था भाषाई कौशलों का विकास। और टीचिंग मेथड की दृष्टि से यदि अपन देखें तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। और यहाँ पर मैं एक चीज और भी बता देती हूँ जो विशिष्ट है। हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ लीजिए, संस्कृत की शिक्षण विधियां पढ़ लीजिए, एसएस की शिक्षण विधियां पढ़ लीजिए, ये यूनिट सेम चलती है। यानी सुबोपली, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार भाषाई कौशल होते हैं। और इनसे संबंधित प्रश्न हर एक मेथड में पूछ लिए जाते हैं। तो ये अपना कॉमन टॉपिक है, इसलिए भी अपने को इसको ध्यान से पढ़ना है। तो यहां पर जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? भाषाई कौशलों का विकास। देखिए, भाषाई कौशल क्यों आवश्यक है पढ़ने के लिए, क्यों अपन इसके संबंध में विशिष्ट अध्ययन करते हैं, भाषाई कौशल का विकास। देखिए, एक व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर कौशलों का पूर्णतः विकास होना चाहिए। अर्थात मैं यूं भी कह सकती हूं कि अगर अपन अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से प्रकट करना चाहते हैं, प्रभावशाली तरीके से ग्रहण करना चाहते हैं, प्रकटीकरण यानी ग्रहण, तो ग्रहण भी करना चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि अपनी योग्यता का विकास हो, तो उसके लिए अपने अंदर कौशल विकास होना अत्यंत आवश्यक है। एक तो अपन कह सकते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावी बनाता है, व्यक्तित्व को प्रभावी बनाता है यह भाषाई कौशल। ये एक ऐसा कौशल है, एक ये चारों के चारों, चार कौशल बताए थे पिछली क्लास में, ऐसे हैं जिनके माध्यम से अपन अपनी अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। यदि आप ध्यान पूर्वक किसी को सुन रहे हो तो आप, हो सकता है कि उसकी बातों को सुनकर दो चार अच्छे अच्छे शब्द प्राप्त कर लो। और जब आप अच्छे अच्छे शब्द प्राप्त कर लेते हैं तो आप उनका प्रयोग भी करने लगते हैं, तो आप में सुनने की अच्छी क्षमता है, इसलिए आपने उन शब्दों को ग्रहण किया, और आप में बोलने की अच्छी क्षमता है, इसलिए आपने उन शब्दों का प्रकटीकरण किया, अच्छे से ग्रहण किया, अच्छे से प्रकटीकरण किया। और जैसे ही आपने उन शब्दों का प्रभावशाली तरीके से प्रकटीकरण किया तो सामने वाले पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तभी मैंने कहा कि व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने के लिए आपकी भाषा, आपके बोलने का तरीका, आपके खड़े रहने का तरीका भी सामने वाले व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो यहां पर अपनों ने कहा कि भाई, व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने के लिए भी कौशल विकास होना अत्यंत आवश्यक है। ये कैसे संभव है, या फिर अपन भाषाई कौशल कहेंगे किसे? ये भाषाई कौशल चार भी होते हैं। भाषाई कौशल किसे कहेंगे? सुनना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, बोलना हो गया, यही है क्या भाषाई कौशल? नहीं। यदि अपन गहराई से देखें, ऊपरी तौर पर देखेंगे तो यही नजर आएंगे, परंतु अगर गहराई से देखा जाए तो एक शब्द मैं यहां पर और जोड़ देती हूं, ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक सुनना, ध्यान पूर्वक पढ़ना, ध्यान पूर्वक लिखना और ध्यान पूर्वक बोलना, ये जो चारों कौशल है इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ तो ग्रहणात्मक कौशल है, ग्रहणात्मक, और कुछ है अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी कुछ अभिव्यक्ति से संबंधित कौशल है और कुछ ग्रहण से संबंधित कौशल है। अब ग्रहणात्मकता हो चाहे अभिव्यक्तात्मकता हो, यदि इसके साथ यह शब्द जुड़ गया है तभी ये हकीकत में भाषाई कौशल माने जाएंगे, अन्यथा इनको भाषाई कौशल नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषाई कौशलों के विकास का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य होता है हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना। और हमारा व्यक्तित्व तभी प्रभावशाली बनेगा जब अपन ध्यान पूर्वक सुनने
और ध्यान पूर्वक के साथ साथ एक शब्द और भी जोड़ सकते हैं अपन, सार्थक। ध्यान पूर्वक सुन लिया, शब्द भी ग्रहण कर लिया, परंतु वहां पर प्रकट कर दिया जहां पर उसका कोई अर्थ ही नहीं था, तो सार्थक प्रयोग भी होना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक सार्थक शब्द प्रयोग या ध्यान पूर्वक सार्थक ग्रहणात्मक कौशल ही क्या होते हैं, भाषाई कौशल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना होता है। यदि आपने ध्यान पूर्वक शब्दों को नहीं सुना, नहीं समझा, आपने वो मूवी देखी है थ्री इडियट्स, वो थ्री इडियट्स में जो होता है, जिसको भाषण दिया जाता है, वो सिर्फ रट्टा लगाने में विश्वास करता है, हमेशा रट्टा लगाता है, वो समझता नहीं है। तो वहां पर उसके भाषण में, यदि आपने नहीं देखी है तो उसका एक छोटा सा पार्ट आप देख सकते हैं, जिस समय वो भाषण देता है, एक स्टूडेंट होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वो सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाता है। जबकि ये मूवी इसीलिए दिखाई गई है क्योंकि अपन समझकर चीजों को ग्रहण करें और समझकर उनका प्रयोग करें। तो वहां पर वो रट्टा लगाता है, तो उसके शब्द है वो बदल दिए जाते हैं, जो उसका भाषण था उससे अलग शब्द उसे दे दिए जाते हैं। तो उसने समझा तो था ही नहीं कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, उसके रटे रटाए शब्द थे, उसने सबको रट्टा लगा लिया और वैसे के वैसे बोल दिया, तो इसलिए उसके भाषण की मजाक बनी थी। तो इस प्रकार से अपने को ये है कि ध्यान पूर्वक समझते हुए और सार्थक शब्दों का प्रयोग करते रहना है, जिससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली बने। और यदि हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली बन रहा है तो हमारे अंदर भाषाई कौशलों का विकास हो गया है, अन्यथा भाषाई कौशलों का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, ये तो हो गई कि भाषाई कौशलों के विकास की आधार, भाषा के कौशलों का आधार, कि क्यों भाषा के कौशल का विकास आवश्यक है या क्यों इनका अध्ययन आवश्यक है। तो यहां पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाषाई कौशल व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं। और साथ साथ जो भाषाई कौशल है वो क्या करते हैं, हमें अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाते हैं। तो अन्य लोगों से हमें भिन्न कौन बनाएगा, भाषा के कौशल ही बनाएगा। देखिए, इनके विकास से व्यक्ति सामान्य सी बात को भी उत्तम, अब सामान्य सी बात को कहां, किस तरीके से और किन शब्दों से अपन ने को व्यक्त करना है, वो चीज हमें कहां से पता चलेगी, इस टॉपिक के पढ़ने से, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि कौशल विकास से ही हमें ये चीजें आ सकती है। तो इनके विकास से व्यक्ति सामान्य सी बात को भी उत्तम शब्दावली और सही ले व प्रवाह है के साथ अभिव्यक्त करने में सक्षम बनता है। तो सामान्य सी बात को भी क्या करता है व्यक्ति, उत्तम शब्दावली व सही लय व प्रवाह के साथ अभिव्यक्त करने में सक्षम बनता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं अपन आगे। अभी मैंने आपको कहा कि भाई केवल सुनना
केवल बोलना, केवल लिखना, केवल पढ़ना भाषाई कौशल नहीं है। भाषाई कौशल क्या है? सार्थक एवं ध्यानपूर्वक सुनना, सार्थक एवं ध्यानपूर्वक बोलना, सार्थक एवं ध्यानपूर्वक लिखना, ये क्या है? भाषाई कौशलों का विकास है। तो भाषाई कौशल होते कितने हैं? कुल चार होते हैं, ये अपन पिछली क्लास में भी देख चुके। कौन कौन से होते हैं तो अपनों ने बात की थी, सबसे पहले तो सुनना, सब ये क्रम से, क्रम अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में होता है। तो एक जब छोटा बालक होता है तो वो सबसे पहले सुनता है, और सुनता है उसके बाद धीरे धीरे वह बोलने का प्रयास शुरू कर देता है। तो उसके बाद जिस कौशल का विकास होता है व्यक्ति में, वो बोलना होता है, और उसके बाद, इनके बाद यदि किसी कौशल का विकास होता है तो वो पढ़ने का होता है, और अंत में बालक है वो लिख सकता है। आपको बोलने व समझने में हो सकता है कि दो से तीन भाषाएं आती हो, परंतु लिखने की यदि बात आए, अब पंजाबी जो है वो अपन देखते हैं कि राजस्थान के कुछ जिलों में बोली जाती है, और अच्छे से पंजाबी बोलने वाले लोग भी पंजाबी लिख नहीं पाते, क्योंकि बोलने में व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग तो वो सीख जाते हैं, कोई साथ रहने वाला हो पंजाबी तो उसके साथ रहकर भी सीख जाते हैं, परंतु इनके संबंध में लेखन कार्य वह तभी कर पाएगा जब इनका अच्छे से विकास कर पाएगा। क्या है ये कौशल? यदि कोई व्यक्ति सुनकर विचार प्रकट कर रहा है, या सुनकर अपन यूं कहें कि अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो वहां पर किस कौशल का विकास माना जाता है? सुनना। तो सुनकर अर्थ ग्रहण करना ही क्या है? अर्थ ग्रहण करना ही क्या है? सुनना कौशल है। बोलना, बोलने में अपन यूं कह सकते हैं बोलकर विचार का प्रकटीकरण करना, या बोलकर अभिव्यक्ति देना। तो बोलकर विचार प्रकट करना किस कौशल के माध्यम से आता है? बोलना से। बोलकर विचार प्रकट करना। पढ़ना, अब इसके अंदर भी अपन अर्थ ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे तो भी, तो यहां पर आ जाएगा पढ़कर अर्थ, अर्थ ग्रहण करना किस कौशल में जाएगा? पढ़ना में जाएगा। तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। उसके बाद लिखना, लिखना की बात यदि करें तो इसमें भी विचार अभिव्यक्ति होती है, तो लिखकर, लिखकर विचार प्रकट करना। ये है चारों के चारों कौशल, सुनना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, और बोलना, बोलकर विचार प्रकट करना, पढ़ना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, और लिखना, लिखकर विचार प्रकट करना। अब ये है भाषाई कौशल। यदि अपन बात करें इनमें, तो देखिए ये अर्थ ग्रहण से संबंधित है, ये अर्थ ग्रहण से संबंधित है। तो पढ़ना और सुनना, पढ़ना और सुनना दोनों कैसे कौशल हो जाएंगे? ग्रहणात्मक कौशल होंगे, क्योंकि इनके माध्यम से बालक है वो कौशल ग्रहण करता है, या फिर ज्ञान ग्रहण करता है। अब इसमें भी विचारों का प्रकटीकरण, अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति है, इसमें भी विचारों की अभिव्यक्ति है। तो ये जो बोलना और लिखना, बोलना और लिखना जो कौशल है वो किसके अंतर्गत जाएगा? अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत जाएगा। यानी यहां पर कौन से कौशल होंगे? अभिव्यक्ति कौशल माने जाएंगे। तो इस प्रकार से भाषा के चार कौशल हैं, और चारों में यदि अपन देखें तो दो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, दो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, हालांकि अपन इस संबंध में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित सीधे के सीधे यहां से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं भाषाई कौशल के सोपान की।
किसकी बात करेंगे? भाषाई कौशल के सोपान की, कौशल के सोपान। अब सोपान कितने होते हैं? वही चार। जैसे चार कौशल होते हैं उसी प्रकार से चार ही सोपान होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो होता है श्रवण, श्रवण यानी सुनना कौशल होगा। दूसरा होगा भाषण, भाषण यानी बोलना। और उसके बाद यदि अपन बात करें तो होगा पठन। और उसके बाद यदि अपन बात करें तो क्या होगा? लेखन। देखिए, अभी अपनों ने देखा कि दो ग्रहणात्मक है, दो अभिव्यक्तात्मक है। तो ग्रहण व्यक्ति अपने अंदर करता है, यानी ज्ञान को अपने अंदर ले जाता है। जबकि प्रकटीकरण जब करता है, अभिव्यक्ति जब करता है, तो वह अपने विचारों को बाहर निकालता है या बाहर प्रकट करता है। तो यहां पर ये जो श्रवण, सुनकर वो ज्ञान ग्रहण करता है और पढ़कर ज्ञान ग्रहण करता है, इसमें अपन अंदर ज्ञान को लेकर जाते हैं, तो इसको अपन इनपुट कह सकते हैं। यानी इन दोनों सोपानों से व्यक्ति में इनपुट होता है। और यदि यहां पर भाषण व लेखन की बात करें तो यहां पर आउटपुट होता है। तो इन दोनों के माध्यम से तो व्यक्ति बाहर विचार अभिव्यक्ति करता है, तो ये आउटपुट में जाएंगे और इसके आधार पर ये इनपुट में जाएंगे। देखिए, ये जो होते हैं इनपुट वाला ऑप्शन, ये बुद्धि के लिए आवश्यक है, या फिर मैं यूं मान सकती हूं, यूं कह सकती हूं कि बुद्धि विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। जबकि आउटपुट जो होता है, या फिर अपन यूं कहें कि स्पेशली लेखन कौशल के संबंध में, तो यह लिपि विज्ञान से संबंधित होता है। क्योंकि लेखन के माध्यम से या भाषण भी करें, तो यहां भाषण करते समय, बोलते समय या लिखते समय हम स्पेशली ध्यान रखेंगे कि हमारे पास लिपि चिन्ह कौन से हैं। लिपि चिन्ह का मतलब होता है हमारे शब्द कौन कौन से हैं। तो इसलिए जो भाषण और लेखन है या जो आउटपुट है, उसके माध्यम से हमारे अंदर लिपि विज्ञान का विकास होता है। हमारे अंदर जो लिपि चिन्ह होते हैं उनको समझने की क्षमता विकसित होती है, साथ साथ वो जो शब्दकोश है वो हमारा विस्तृत हो जाता है। जबकि इनपुट है, अपन ज्ञान को ग्रहण कर पाए, करते रहेंगे, तो इससे हमारा बौद्धिक विकास होगा। हमारी बुद्धि अनेक चीजों को ग्रहण करते जाएगी, और जैसे जैसे ग्रहण करती जाएगी तो हमारा क्षेत्र जो है वो विस्तृत हो जाएगा। तो यहां पर श्रवण और पठन इनपुट है जो बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है, जबकि ये जो दोनों हैं आउटपुट वाले, ये लिपि विज्ञान से संबंधित है। यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं कि जो इनपुट है वो अमूर्त होता है, यानी ये दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रहण कर रहा है बालक। अब हो सकता है कि आप जैसे अब मेरे सामने हो सकता है आप सुन रहे हो परंतु ग्रहण ही नहीं कर रहे हो, और हो सकता है कि आपने ऐसे ही चला लिया और उसके बाद बंद कर दिया, तो आपने कुछ ग्रहण ही नहीं किया। अब पता कैसे चलेगा कि आपने कुछ ग्रहण किया या नहीं किया, या सीखा या नहीं सीखा, नहीं पता चलेगा। हाँ, यदि आप आउटपुट दे देते हो तब आपका पता चल जाता है कि यहां पर आपने ग्रहण किया, यानी ये तो कौन सा विचार है, मूर्त विचार है, जबकि ये कौन सा है, अमूर्त विचार है। ये यदि लिपि विज्ञान से संबंधित है, लिपि विज्ञान यानी इसके माध्यम से लिपि चिन्ह शब्द इनका ज्ञान इसके माध्यम से होता है, तो ये जो है वो ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। क्यों? क्योंकि सुनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसी न किसी ध्वनि की। कोई ना कोई ऐसी ध्वनि होती है जिसको सुनकर विद्यार्थी अर्थ ग्रहण करता है, और यदि वह पढ़ता है
तो भी वह ध्वनि से संबंधित होता है, क्योंकि पढ़ने में बोलने में भी वह जिन शब्दों को पढ़ता है, जिन शब्दों को बोलता है, वह चाहे मन ही मन मौन पठन करे, फिर भी उसके अंदर ही अंदर एक ध्वनि चलती रहती है। तो इसलिए ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, ये लिपि विज्ञान से संबंधित है, ये बौद्धिक विकास करता है, ये लिपि का विकास यानी शब्दकोश का विकास करता है। तो इस प्रकार से ये चारों जो है वो भाषाई कौशल के सोपान कहे जा सकते हैं। तो यहां पर भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए कि भाषाई कौशल के कितने सोपान होते हैं, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, और इनको किस किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद अपन बात करेंगे प्रत्येक कौशल का एक एक करके अर्थ स्पष्ट करने की। देखिए अब अपन बात करते हैं प्रत्येक कौशल की, एक एक कौशल की विशेषताएं, उसके उद्देश्य, उसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बात है वो सभी की सभी की। देखिए भाषाई कौशल में पहला कौन सा कौशल था, श्रवण कौशल। श्रवण कौशल है, ये चीज अपन देख चुके। क्या मतलब है इसका, देखिए इसका मतलब है सुनकर अर्थ ग्रहण करना, यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करने को ही क्या कहा जाता है, श्रवण कौशल कहा जाता है, सुनने का कौशल कहा जाता है। अब ये जो सुनकर अर्थ ग्रहण करना है यानी श्रवण कौशल है, इसके अंतर्गत यदि अपन महत्वपूर्ण बात के बारे में विचार करें तो ये एक ऐसा कौशल है जिससे भाषा ग्रहण का विकास शुरू होता है या भाषा ग्रहण प्रारंभ होता है, क्योंकि सबसे पहले यही आता है जब छोटा सा बालक होता है पैदा होने के बाद, तो वो सुनता ही सुनता है और सुनकर बाद में उसे उसमें अन्य क्षमताओं का विकास होता है। और मान लीजिए यदि कोई बालक सुन भी नहीं पाता तो वो आगे बोल भी नहीं पाता, क्यों, क्योंकि उसको उसने कुछ ग्रहण ही नहीं किया। तो श्रवण कौशल जो है वो महत्वपूर्ण रूप से यूं कहा जा सकता है कि अन्य जो तीन कौशल है बाद वाले उनका एक आधार है, मूल आधार है। तो ये अन्य तीन कौशलों के विकास का मूल आधार है, ये महत्वपूर्ण बात है। यह कौशल क्या है, अन्य तीनों का आधार है, क्योंकि सबसे पहले यदि सुनेगा तो ही वह बोल पाएगा, तभी वह पढ़ पाएगा, तभी वह लिख पाएगा। और श्रवण कौशल है क्या, सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं तो क्या है, ध्यान पूर्वक सार्थक सुनना ही क्या है, श्रवण कौशल है। तो सुनकर अर्थ ग्रहण करने को श्रवण कौशल कहते हैं, अन्य तीनों कौशलों का मूल आधार है, और सिर्फ सुनने को ही अपन श्रवण कौशल नहीं कह सकते, ध्यान पूर्वक सार्थक चीजों को यदि अपन ग्रहण कर रहे हैं तो वहां पर श्रवण कौशल का विकास होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज अपनों ने जो भाषा के कौशलों का सामान्य परिचय देखा, भाषा के सोपान का जो सामान्य परिचय देखा, वो समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।